और इस बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई गोवा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर रिपोली के पास ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कोंकण से मुंबई जा रही थी कार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई गोवा हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर मुंबई गोवा हाईवे पर ये जबरदस्त भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रिपोली के पास ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जबरदस्त टक्कर हुई है। जानकारी मिल पा रही है कि हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना के खम्मम में हुई बीआरएस की रैली में नीतीश को न्योता नहीं मिला। इस रैली में के चंद्रशेखर, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। राव ने कांग्रेस के भी किसी नेता को नहीं बुलाया था, लेकिन केसीआर ने नीतीश से भी दूरी बना ली और उन्हें खम्मम की रैली में नहीं बुलाया। जबकि उस रैली में दिल्ली और पंजाब समेत केरल और कई विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री और नेता शामिल हुए। जबकि अटकलें हैं कि नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनने का जुगाड़ लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं। नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 इज डिफरेंट, हम अपोजिशन की टोटल यूनिटी के पक्षधर हैं। लेकिन तेलंगाना के सीएम की रैली जेडीयू के प्लान पर पलीता लगा सकती है, क्योंकि केसीआर ने जता दिया कि वो केवल बीजेपी और कांग्रेस से नहीं बल्कि जेडीयू से भी दूरी बनाने के मूड में है। यानी अगर उन्होंने मोर्चा बनाया तो वो बिना जेडीयू के बनेगा, जबकि जेडीयू ने आरजेडी से हाथ ही 2024 को ध्यान में रखकर मिलाया। लेकिन केसीआर की एंट्री से नीतीश का बीजेपी से लड़ने का प्लान बिगड़ सकता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि जितने मोर्चे होंगे उतने वोट बटेंगे। आतंकी संगठन टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बच्चा ट्रेनिंग लेता दिखा। आतंकी संगठन टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आतंकी संगठन टीटीपी का एक कमांडर एक छोटे बच्चे को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देता नजर आया। वीडियो में टीटीपी कमांडर उस बच्चे को राइफल के बारे में बताता नजर आया, फिर उसके हाथों में एक राइफल दे दी, जिससे कुछ दूरी पर एक निशाना साधने को कहा और उस बच्चे ने राइफल से फायर भी किया। बच्चे को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देने वाला वीडियो खुद आतंकी संगठन टीटीपी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया। टीटीपी इन दिनों पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में कई ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, जिनमें आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी में से एक ट्रेनिंग कैंप में टीटीपी का एक कमांडर बच्चे को भी लड़ाई के लिए तैयार करता नजर आया। इस बीच इंडोनेशिया के सुलावेसी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। हालांकि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र समंदर में 145 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। इससे पहले पिछले साल 21 नवंबर को भी इंडोनेशिया में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।